जो जीवन दिया है बाबा ने, उसका यूटिलाइज, उसकी उपयोगिता अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए होने का एक मन में उद्देश्य, एक मन में एक संकल्प रखने की ज़रूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं जब मुरली पढ़ता हूँ तो मेरे को सवेरे की मुरली मेरे को दिन भर का काम का एक मार्ग बताती है। भले आज मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला मुझे पता नहीं था, इसमें क्या भूमिका लेना चाहिए मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं जब सवेरे अमृत वेला करूँगा या सवेरे मैं मुरली पढ़ूँगा तो शायद ही ऐसा एक आधा दिन होगा कि वो मुरली अपने को गाइड नहीं करती। रोज की मुरली आदमी के दिल में जो संकल्प है, जो कुछ करना है, उसका एक मार्गदर्शन रोज की मुरली करती है, ऐसा मैं समझता हूँ। कुछ लोग इसको अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। कितने काम हों जो होंगे नहीं होंगे ऐसा कुछ लोगों को लगता है, लेकिन जब मैं बाबा का बच्चा हूँ तो मैं विश्वास रखता हूँ कि ये काम होने ही वाला है, ये काम होना ही है या ये काम होना ही चाहिए। तो जब मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ तो मेरे को नहीं लगता कि ये काम नहीं होता, ये काम होगा नहीं और ये काम हुआ नहीं। इसलिए अपने को विश्वास रखना चाहिए। शिव बाबा की सेवा, इस मार्ग की सेवा निरपेक्ष कोई फल की प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, तो अपना जीवन ये सुख का, समाधान का, सिर्फ अपना ही नहीं तो अपने समाज का, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने विश्व का, इसका भी कल्याण, इसका भी समाधान इसमें छुपा है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए काम करते वक्त आनंद होता है, क्योंकि मैं इतना पॉलिटिकल पार्टी का 17-18, 20-20 घंटे काम करके भी कुछ लोग समझते हैं कि सवेरे कैसा उठेंगे, बाबा उठाता है, उसको कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3:30 या 4 बजे उठने के लिए कोई अलार्म की ज़रूरत रोज के आदत में बिल्कुल पड़ती नहीं। फिर आज मैंने क्या करना है, ये प्रश्नों को मैंने कैसा फेस करना है, इस समस्याओं को मैंने कैसा उलझाना है, सवेरे की मुरली पढ़ लो, बराबर वो प्रश्न को हम फेस करते, बराबर वो समस्या को हम उलझाते। और ऐसा ये अनुभव मेरा आज ही नहीं, जिसको मराठी में सातत्य से रहा है। और इसलिए मैं इसमें ये भी आह्वान करूँगा कि लोगों ने इस मार्ग को जुड़ना चाहिए। कुछ फ़ायदा होगा, कुछ मुनाफा होगा, इसके लिए नहीं, अपना जीवन जो है सही तरीके से बिताना चाहिए। जो जीवन दिया है बाबा ने, उसका यूटिलाइज, उसकी उपयोगिता अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए होने का एक मन में उद्देश्य, एक मन में एक संकल्प रखने की ज़रूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। हम रोज़ संकल्प करते हैं, अलग अलग संकल्प करते हैं, कुछ संकल्प कायम रखते हैं, और जो संकल्प हम रखते हैं वो संकल्प बिल्कुल हम अगर उसको सही मन से, स्वच्छ मन से, स्वच्छ ढंग से अगर रखे तो कोई संकल्प अधूरा नहीं रह सकता, ये मेरा अनुभव है। अनेक बार मैं छोटे व्यक्तिगत बातों पर बात नहीं करूँगा, लेकिन सामाजिक सार्वजनिक विषय पे मैं बात करूँगा कि कुछ कुछ बातों का हम संकल्प करके, मेरे हाथ से ये बड़ा काम होना चाहिए, मेरे हाथ से बड़ा रास्ता होना चाहिए, मेरे हाथ से ये हमारे शहर का कल्याण होना चाहिए, मेरे हाथ से इस जिले का कल्याण होना चाहिए, मेरे हाथों से इस राज्य के लिए, इस देश के लिए ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया उसका समाधान होना चाहिए। जब हम ये संकल्प करते हैं, सिर्फ संकल्प करने से काम नहीं होगा, तो उसके वो रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो संकल्प भी पूरा होता है। बहुत सारे लोग संकल्प तो करते हैं लेकिन उस रास्ते पे निकलने का ट्राई भी नहीं करते, उठते भी नहीं है। सिर्फ संकल्प करने से सब काम नहीं होगा, उस संकल्प लिए हमको कार्य भी करना पड़ेगा, उस संकल्प के हेतु से हमको उस रास्ते पे चलना भी होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए मैं एक शिवसेना पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, शिवसैनिक हमको कहा जाता है। मैं हर जगह केंद्र में भी जाता हूँ, सेंटर में भी जाता हूँ, प्रजापिता, तो मैं कहता हूँ शिवसेना और प्रजापिता ब्रह्म, ये दोनों शिव की सेना है। शिव ये सेवा का प्रतीक है, शिव ये त्याग का प्रतीक है, शिव ये समर्पण का प्रतीक है। हमारा संगठन भी सेवा का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। और इसलिए जहाँ हम समर्पण करेंगे, सेवा करेंगे, समर्पण करेंगे, वहाँ देश का कल्याण ही होगा। अभी जो अपना देश 75वीं सालगिरह मना रहा है, और अभी अपने अभी प्रधानमंत्री के हाथ से 75वीं सालगिरह से स्वर्णिम युग तक जाने का संकल्प किया है। अपनी यहाँ पहले गीत था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया गाती रंग बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मैं समझता हूँ इस 75वें साल में होने से भारत में हर डाल पे अभी सोना चिड़िया बैठती, लेकिन वो डाल का क्या स्थिति है, उस
वो डाल की स्थिति क्या है, सही में हम हमारा देश सोने की चिड़िया है क्या, तो अपना देश सोने की चिड़िया है। वो संकल्प वो दिल में अपने को रखने की ज़रूरत है, और शायद जो संकल्प अपने संगठन प्रजापिता ब्रह्म कुमार किया है कि हमको स्वर्णिम 75वें साल से स्वर्णिम तक जाना है, तो हम जा सकते जाएंगे, ये भी संकल्प महत्व का है। जब हमारा मन ये संकल्प पर गया कि नहीं हम स्वर्णिम युग लाएंगे, ये बहुत दूर की बात नहीं है, अपन ये स्वर्णिम युग ला सकेंगे, ऐसा मेरा कहना है। इस माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि भले पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता है, हमारे मराठी में एक माने आवड़ रही तो सवड़ मिलते, आपको अगर उस काम की अच्छी आवड़ रही, उसका इंटरेस्ट रहा, तो हमको टाइम मिलता है। इसलिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी लोग होते हैं ये क्या करना है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, वो करो। शोभा, मैं समझता हूँ, मैं इस मार्ग में काम करने से पॉलिटिकल पार्टी का काम करने में भी एक ताकत आती है, एक शक्ति आती है, एक मानसिकता बनती है, मजबूती की मानसिक मजबूत मानसिकता बनती है। और मैं इसलिए पॉलिटिकल पार्टी और ब्रह्म कुमारी का काम मैं अलग समझता नहीं, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल पार्टी का काम करने से ब्रह्म कुमारी के मार्ग में भी काम करने से दोनों का हमारे यहाँ एक मेक को फायदा होता है। फायदा यानी कोई उसका अलग उसका शब्द का अर्थ अलग हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी इस मार्ग में आने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हमने को काम करना, तो हम काय के लिए काम करते, स्वार्थ के लिए काम करते या देश के लिए काम करते, स्वार्थ के लिए काम करते समाज के लिए काम करते, ये उद्दिष्ट इस मार्ग में आने से ब्रह्म कुमारी मार्ग से मैं ये मेरा संकल्प है कि मैं समाज के लिए काम करता हूँ, मैं देश के लिए काम करता हूँ, और मैंने शांतता से शिस्त से बराबर योग्य रास्ते से जाने की ज़रूरत है। योग्य रास्ता सिखाने का काम ब्रह्म कुमारी का मार्ग सिखलाता है, ऐसा मैं समझता हूँ, और ये मार्ग सही में अपने समाज को और देश को आगे लेके जाने वाला है, ऐसा ही मैं समझता हूँ। धन्यवाद।